गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्सल इंटरनेशनल स्कूल। आज आपके देखिए क्लास फोर्थ के सब्जेक्ट ईवीएस का अपन चैप्टर फिफ्थ पढ़ रहे थे, रिक्रिएशन। ठीक है, इसकी फर्स्ट पार्ट को अपन ने किया था पी1 क्लास के अंदर, सेकंड पार्ट को पी2 क्लास के अंदर आज करेंगे। फर्स्ट जो आपका पार्ट था उसके अंदर देखिए अपन ने क्या पढ़ा था, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से बच्चा जो है उसको कैसे एंटरटेन किया जाए। ठीक है, कैसे वो अगर मान लो सुस्त है या फिर थोड़ा सा लेथार्जिक हो रहा है, बिजी हो रहा है, तो कैसे उसको बूस्टअप करना है, कैसे उसको रिक्रिएट करना है, तो उसके लिए जैसे गेम्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ये खिलाई जाती है, जैसे इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स वगैरह, मैंने आपको सबके बारे में अच्छे से समझाया था। ठीक है, कौन कौन से गेम्स होते हैं और कहाँ कहाँ पे खेले जाते हैं। इसके बाद में अगला आता है आपका गेम्स एंड रूल्स। ठीक है, गेम्स एंड रूल्स का मतलब है कि जो गेम्स होते हैं उसको अपन को जो है उसके सेटअप रूल्स जो होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग खेलना चाहिए, गेम को गेम की भावना से खेलना चाहिए। ठीक है, और जो भी अपने एम्पायर वगैरह होते हैं, ठीक है, या जो कैप्टन होते हैं उनकी बात को मानते हुए उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए खेलना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें थी। उसके बाद में आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन का मतलब है कि और भी कौन से तरीके होते हैं, जैसे गेम्स खेलने वगैरह, इन सबके अलावा और क्या तरीके होते हैं जिससे हम अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं, बच्चों को रिक्रिएट कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा मतलब जो कहते हैं ना कि उनको थोड़ी खुशी दे सकते हैं। ठीक है, उनका जो रूटीन शेड्यूल होता है उससे थोड़ा सा वो हटके अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाए ताकि बूस्टअप रहें, खुश रहें, ठीक है, और एनर्जेटिक रहें। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए मेनली आपके क्या आते हैं, जैसे एम्यूजमेंट पार्क्स हैं, फेयर्स हैं, ठीक है, आपके पपेट शो दिखाना है, पिकनिक पे जाना है, ठीक है, या फिर बुक्स वगैरह रीड करवाना है, ठीक है, ये सब चीजें होती है, सर्कस दिखाना करना। ठीक है, जैसे बच्चों को आप सर्कस दिखाने लेके जाते हैं तो वहाँ जानवरों को देखते हैं, ठीक है, जंगली जानवरों को तो खुश होते हैं, जू में लेके जाते हैं, चिड़ियाघर लेके जाते हैं, वहां जाते हैं बच्चे जानवरों को देखते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, जैसे माचे सफाई पार्क हो गया या कोई जैसे अच्छा जो स्पॉट हो गया, फोर्ट दिखा दिया उनको, ठीक है, कोई घूमने की जगह दिखा दी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को और जगहों को देख के ना सिर्फ उनका नॉलेज बढ़ता है, ठीक है, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, प्लस वो खुश भी रहता है। ठीक है, और वो उनके लिए काफी मायने रखती है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जैसे आपके बुक के अंदर जो दिए हैं एम्यूजमेंट पार्क। एम्यूजमेंट पार्क जो होते हैं वो एक तरह से मतलब आप ये समझ लीजिए कि थोड़े से जो है टेक्नोलॉजिकल फेयर्स मान सकते हैं इनको अपन, यानी इनके अंदर ये भी एक मेले की तरह ही होता है, मतलब ये जो है पेड होता है पूरा हर तरीके से, इसमें जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ता है और शायद ही हाईली पेड भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का काफी इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे बहुत सारे तरह के झूले होते हैं, जैसे यहाँ पे वाटर राइड्स कर सकते हैं, रेन डांस कर सकते हैं, रोलर कोस्टर पे झूले खा सकते हैं, 40-40, 20-20 ऐसे नाम से भी झूले चलते हैं। ठीक है, हाई राइड्स चलती है, ठीक है, ये सब चीजें रहती है, तो इन सब झूलों के आप आनंद ले सकते हैं, बच्चों को दिला सकते हैं, पूरा सेफ्टी मेजर का सेफ्टी मेजर्स का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, और आपको भी पर्सनली भी खुद को भी रखना चाहिए, ठीक है, और छोटे बच्चे हैं तो आप अवॉइड ही करें। ठीक है, तो ये सब चीजें अम्यूजमेंट पार्क। उसके बाद में जैसे फेयर्स के अंदर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो इनको अपन लोकल लैंग्वेज में मेले कहते हैं। ठीक है, मेले मतलब जैसे आपने देखा होगा जैसे कोई लोक देवता का मेला हो सकता है, कोई बड़े न्यूज़पेपर है, कोई बड़ी होर्डिंग है, कोई बड़ा औद्योगिक घराना है, या कुछ भी अपन समझ सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा एनजीओ है, तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ अपने मेले लगाते हैं जिसके अंदर आपको देखो बैलून बर्स्टिंग, काफी गेम्स छोटे मोटे जो गेम होते हैं वो खेलने को मिल सकते हैं। बैलून बर्स्टिंग मतलब गुब्बारे फोड़ना, बंदूक चला के बच्चों को जो होता है वो इस गेम का मजा ले सकते हैं, रिंग थ्रोइंग का मजा ले सकते हैं, जिसमें रिंग फेंक के आप कोई ना कोई चीज जो है वो कैप्चर करते हैं या जीतते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ पे आपको काफी सारे तरह की स्टॉल्स मिलती है, जिसमें आपके फूड स्टॉल्स भी आती है, खाने की स्टॉल्स आ गई, टॉयज की स्टॉल आ गई, ठीक है, और कपड़ों की स्टॉल आ गई, ठीक है, और घर के जो कुछ डेकोरेटिव्स होते हैं उसकी स्टॉल आ गई, गॉगल्स की स्टॉल आ गई, वॉच की, या काफी सारी चीजें होती है, तमाम तरह के इनकी स्टॉल्स वगैरह भी आती है। इसके साथ साथ में जैसे कई बार मैजिशियंस के शो भी यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, कोई ऑर्डर हाउस भी बना होता है, ठीक है, वो कुछ तो रिकमेंडेड भी है, और इसके अलावा जैसे यहाँ पे झूले वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो झूले होते हैं स्विंग वाले, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे आपका झूला वगैरह ये सब चीजें होती है, बच्चों की टॉय ट्रेन वगैरह ये भी यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, फेयर्स में भी आपको काफी मजा आता है, यहाँ पे थोड़ी गैदरिंग ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा बच्चों का आपको ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ ये सारी एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा भीड़ जो है आपको फेयर में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में पपेट शो होता है, ये भी आपको फेयर में भी मिल सकते हैं और कहीं पे आइसोलेटेड भी मिल सकते हैं, जिसके अंदर जो कुछ पपेट्स होती हैं उनको वो अपने जो पपेट शो दिखाने वाला जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है अपने अंगुलियों से रस्सियां बांध के उस पपेट को जो है डांस करवाता है,
उनसे सिंगिंग करवाता है, उनसे कॉन्वर्सेशन बातचीत करवाता है, ठीक है, पूरी आपको स्टोरी टेल करता है मोइंग पपेट्स के हिसाब से, ठीक है, पूरी कहानी बताता है, डांस है, स्टोरी वगैरह सब होती है, और मेनली आपको राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश वगैरह इन जगहों पर, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे आप नेक्स्ट है अपना पिकनिक, ठीक है, पिकनिक भी क्या होता है, ये भी बहुत ही अच्छा तरीका होता है एंजॉयमेंट का, ठीक है, और ये काफी मतलब कन्वेंशनल है, बहुत सदियों से बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेस्ट वे है आपके फैमिली गैदरिंग का, आपके घर के परिवार के जो सदस्य हैं उन सबका एक साथ होने का, सब एक साथ होते हैं, अपनी घर की जो गाड़ी होती है या टू व्हीलर हो या जो भी होता है अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो जाते हैं उसके ऊपर, और कोई एक स्पॉट चिन्हित करते हैं जो पिकनिक के लिए बढ़िया होता है, ठीक है, जैसे कोई झील का किनारा है या फिर कोई सिटी से थोड़ा दूर कोई अच्छा मंदिर है या फिर इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, या कोई सेमी जो जो जंगल का कोई इलाका होता है सरकार से, ठीक है, तो वहाँ जाके भी ये लोग अपना एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे मेन इंजॉय किसको करते हैं, फैमिली गैदरिंग को, हंसी मजाक बातें वगैरह मारना, ये सब चीज़ें तो होती है, ठीक है, साथ में आप अगर थोड़ा म्यूजिक वगैरह भी लेके जाता है तो म्यूजिक का है, कुछ अगर गेम जैसे डिस्कस हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और आप जो है यहाँ पे मेन इंजॉय करते हैं होममेड फूड का, ठीक है, घर पे बना हुआ जो खाना होता है उसका यहाँ पे आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए रीडिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, रिक्रिएशन है, एक माध्यम होता है, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उसकी रीडिंग हैबिट आ जाती है, वो आराम से पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो उसको बुक रीडिंग की हैबिट डलवानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि किताबें कहते हैं इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, ये आपको बहुत सारी नॉलेज देती है, आप बच्चे जो है स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, किसी कहानी फेरी टेल फैंटेसी वगैरह या फिर कोई भी अलग कोई रियल स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं, रियल कहानियां, साइंस बुक्स पढ़ सकते हैं, स्पेस और इससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वगैरह जीके बुक्स जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है, और स्टोरी बुक्स तो आपको पढ़नी होती है, ठीक है, पढ़ाई के लिए, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो आपके क्या है, कुछ ऐसे अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है जो आपके गेम्स और स्पोर्ट्स जो मेन रिक्रिएशन का माध्यम होता है जो आप डेली करते हैं उससे हटते हैं, क्योंकि डेली एक्टिविटी बनी आती है, हाँ रीडिंग का हम कह सकते हैं, बाकी डेली एक्टिविटीज बनी आती है, ठीक है, इसके अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है, ठीक है। अब इस टॉपिक के साथ आपका एक चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर अपन वोकैबुलरी और प्रशासन से होगा।